बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हशबाशाश पशाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोग इसी तरह से खुश होकर रखे अपनी ज़िंदगियों में, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर सर न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ वो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे, आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है। तो आप बस जैसे कोई चीज़ मार्केट में आ जाती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे, आमीन। अच्छा जी, आज के रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो दूसरा रिश्ता मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो उनका नाम, हमारी बहन का नाम गज़ल है। माशाल्लाह से अपने नाम की तरह बहुत प्यारी हैं। गज़ल इनका नाम है, इनकी उम्र 31 साल है, मतलब 31 ईयर्स की ये हैं। और इनका ताल्लुक़ खानीवाल से है, जीन का ताल्लुक़ खानीवाल से है। नाम इनका गज़ल है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, सुन्नी हैं। और इसके अलावा इन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, लाहौर से किया हुआ है इन्होंने। इनकी ज़्यादातर एजुकेशन लाहौर की है, लेकिन बेसिकली ये खानीवाल के हैं और खानीवाल वहीं रहते हैं। इनकी एक बहन है, वो शादीशुदा है माशाल्लाह से, अपने घर में सेट हैं। और इसके अलावा अपना घर है इनका, ये अपनी वालदा के साथ रहती हैं, अपना घर है इनका, अपनी गाड़ी है, माशाल्लाह से खुशबाश हैं, अच्छी फैमिली है। जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये हैं कि क्योंकि ये लोग भी पंजाब से इनका ताल्लुक है, तो इन्हें भी कोई पंजाबी फैमिली ही चाहिए, सुन्नी पंजाबी हो, सुन्नी हो, शरीफ हो, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। तो इन्हें ऐसा रिश्ता चाहिए जो इनका ख्याल रखें, जो औरतों की इज्जत करते हों, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हों। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी डिमांड है। अगर आपको ये रिश्ता समझ में आता है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो ईमेल एड्रेस गिवन है, हमने दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मेल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैसेज भी कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप मैसेज करें। आपने मैसेज क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन, जो ज़रूरी मालूमात आपने भी भेजनी है, वो सारी बहुत डिटेल में नहीं भेजने की ज़रूरत। आप जस्ट अपना नाम भेजना है, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आप क्या करते हैं और कहाँ से आपका ताल्लुक है, ठीक है। आपने जैसे अभी यही इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। अगर इनको समझ में आई आपकी इंफॉर्मेशन तो ये खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जो जिस नंबर से आप मैसेज करेंगे या जिस ई मेल एड्रेस से आप मेल करेंगे, तो उस पर ये खुद ही आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। इसके अलावा एक और बात के मेरा मशवरा जो हमेशा वीडियो में होता है, मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता आपसे अगर कॉन्टैक्ट करता है तो आपने बग़ैर छानबीन के पहले ही स्टेप पे फ़ौरन आगे नहीं बढ़ना, आपने मुकम्मल छानबीन करनी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं तो आपको अच्छे रिश्ते बताती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैं इनको जानती नहीं हूँ, ठीक है। मैं इनको नहीं जानती कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, वो जो चीज़ें बातें बता रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, तो वो वेरीफाई करना आपका काम है। तो आपने उसको वेरीफाई करना है, मुकम्मल छानबीन करनी है, उसके बाद ही अगला कदम बढ़ाना है। क्योंकि ज़िंदगी का मामला होता है और वो ज़ाहिर बात है ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, तो उसकी कदर की जाए, ठीक है। तो चले जी, आज के दो रिश्ते मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और आप दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।